بالظبط. बी इज एन ऑड नंबर, फाइंड द सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज को सम करना, पहले तो पॉसिबल वैल्यू देखनी है, फिर उन्होंने की करना सम करना। डिस्टेंस सम दे दी, 9 कैंसिल हो गया, 8 नाल 1 गया, 4 कुछ कटे, अरे 5 नाल 4 गया, ठीक है 13 बच गया, 13 मतलब 4 हो गया, 4 प्लस 8 प्लस, ठीक है सर ये हो सकता है। हम ए का डिजिटल साम बनना चाहिए है छे से सात, छ प्लस सात कितने हो गए 13, 13 का डिजिटल साम करूंगा मैं, 1 प्लस 3 4 हो गए, राइट। डिजिटल साम का मतलब होंगे इनको का जो डिजिट के साथ, मेरा डिजिटल साम भाई अगर यही नॉन एडमिसिबल होगा तो मेरा डिजिटल साम कितना बनना चाहिए, 9 बनना चाहिए, जिसको हमें इसी कंडीशन की देती है कि बी शुड बी एन ऑड नंबर, राइट। बी की वैल्यू की हो सकती है 1 ले सकता है मैं, 3 5 7 ये हो सकती है वैल्यू, राइट। और कुछ ही वैल्यू हो सकती है 4 प्लस 1 5, 5 4 की जोड़ो मतलब 5 की 9 बन गए 4, 4 प्लस 3 7, 4 की जोड़ो मैं 7 की 9 बन गए 4 प्लस 5 9 की जोड़ेंगे कि 9 बन गए 0, 4 प्लस 7 11 की जोड़ेंगे 9 बन गए, हाँ 18 बन गए कि 9 नॉट विजिबल हो गए, ऑब्वियसली 9 टेबल चलूगा तो की जोड़ेंगे,
जोड़ेंगे, सेवन वन। सुनो आहा एक पेयर वन, ठीक है। सुनिए इससे एक छोटी सी गलत, तुम्हें याद हो गई नहीं याद हो तो, पापा सीखा सीखा कि डिजिटल सम जब नाइन नाइन डिवाइड होगा, डिजिटल सम या जीरो आना चाहिए या नाइन नाइन। डिजिटल सम कोई भी नंबर अगर नाइन नाइन डिवाइड होना चाहिए, डिविजिबिलिटी अभी चेक करनी है डिजिटल सम थ्रू, या तो ना सम जीरो बनना चाहिए या नाइन नाइन बनना चाहिए, सेम थिंग ये क्या होती। अच्छा हम एक पेयर पे इतने जीरो पे फाइव बन गया, एक पेयर इतने जीरो पे फाइव बन गया, एक पेयर की बनेगा नाइन पे फाइव, नाइन पे फाइव 14 प्लस 4 18, 18 की है नाइन नाइन डिविजिबल, एक पेयर हो बना। इतने की गलती कर देने आपा, इतने आपा जीरो पे फाइव तक काउंट कर लिया, नाइन पे फाइव आपा छाड़ देने, ठीक। बट नाइन पे फाइव भी इतने काउंट होगा क्योंकि डिजिटल सम इधर जीरो नाइन सेम थी, पेयर टी की बन गई, 4 1 का पेयर बन गया, 2 3 का पेयर बन गया, राइट। 0 5 या फिर 9 5 और 7 8 7 का पेयर बन गया, कोई दिक्कत परेशानी है तो क्लियर है। उन्होंने अगे की पूछे, अगे कहना पॉसिबल वैल्यूज काट लिया आप, एरिया एरिया पॉसिबल वैल्यूज काट लिया, अगे की कह रहे हो सामा ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए, 4 प्लस 2 प्लस 9 प्लस 0 प्लस 1। छ 5 7 2, ठीक है क्लियर है। टेढ़ा एक नंबर हो गया, बी डी वैल्यू, बी डी वैल्यू 9 मांगे हैं तो देखो इतने 13 बन जाएगा। हाँ कैसे, और 5 प्लस करेंगे, यस 9 भी ले सकते, 9 भी ले सकते हैं बी डी वैल्यू, और नंबर लेंगे ना अपन, 9 लेंगे 13 बन जाएगा, 13 की प्लस करिए कि 9 9 नॉट डिविजिबल हो गए, 5 प्लस करेंगे 18 सामान रहे, 18 मान के ये हो जाएगा डिवि नाइन नाइन डिविजिबल हो चुका है, तब प्लस 5 कर दो। 22 बने सर तक सम, 22 प्लस 5 करेंगे 27 बन, आंसर होगा 27। देखो ये करना ठीक है, कोई प्रॉब्लम हुई है इससे जमा आसान क्वेश्चन, ये रूल बाय रूल चलोगे तो जमा आसान ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोस्तों किसी स्टेप में प्रॉब्लम आई, कुछ दोबारा करवाना, किसी पॉइंट पे कोई दिक्कत है, क्लियर है। चलो एक सेम क्वेश्चन है वो करके दिखाओ, पेयर दसो की बनेंगे, सिर्फ तुसी पेयर बनाने दसो वही करके, टेक योर टाइम प्लीज सॉल्व।
अच्छा, सबसे पहले डिविजिबल आई थी क्या उसने? 18 के अपन 18 बाद आपने सीखा नहीं डिविजिबल रूल की करा नहीं कोई प्राइम से ब्रेक कर सकते केटे केटे कोई प्राइम नंबर से ब्रेक कर सकते हैं 9 और 2 चेक राइट 2 ली की चेक करना पड़ेगा 2 ली की चेक करना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल लास्ट डिजिट 2 नाल डिवाइड हो गए या फिर इवन हो गए तो 9 में डिजिटल सम करो चेक भाई बी दी वैल्यू इवन ले सकते हैं अपन। है ना यह नंबर कितना हुआ अपन यह नंबर आप चेक कर रहे हैं कि 18 में डिविजिबल है या नहीं है सर इन 9 से 2 से कोई प्राइम नंबर से ब्रेक कर लिया अपन राइट हम 2 का की डिविजिबिलिटी रूल है कि लास्ट डिजिट इवन नंबर बन जाएगा वो नंबर की होगा 2 ना डिविजिबल होगा यस। अच्छा जी 2 ना डिविजिबल होगा तो पहली गल तो ए बी सिंगल डिजिट है सिंगल डिजिट नंबर सोचने पैणगे 0 ले सकते उसमें मैं 2 4 6 8 दैट्स इट इस तो बाद लगाएंगे तो डबल डिजिट स्टार्ट हो जाएंगे चलो ए दी वैल्यू कंप्लीट होगी बी दी हम दूसरे की चेक करना है कि 9 9 ले डिजिटल सम 9 ले 9 कैंसिल हो गया 7 कितने जा रहे हैं नहीं आ रहे 5 पे 4 कैंसिल होगा 5 पे 4 कैंसिल हो गया राइट दैट्स इट 13 8 21 21 का मतलब की हो गया 21 का मतलब हो गया 3 3 प्लस ए प्लस बी 3 प्लस ए प्लस बी बी की वैल्यू मैं लिख ली 0 2 4 6 8 ठीक। अच्छा डिजिटल सम 9 नहीं ओनली 9 बनना चाहिए राइट थ्री चो 0 प्लस कितना 0 ठीक तो होल 9 बनाने की है इस 6 प्लस करना पड़ेगा थ्री चो 2 प्लस कितना 5 ए दी वैल्यू कितनी आओगी 4 आओगी थ्री चो 4 प्लस कितना 7 ए दी वैल्यू कितनी आओगी 2 थ्री च 6 प्लस कितना 9 ए दी वैल्यू 0 और 9 ए हमेशा ध्यान रखना ठीक है 0 और 9 डिजिटल सम आइदर 0 और 9 राइट और 3 ते 8 च देखो की बन रहा है अपना कितना ऐड करना होगा ए नू 11 कितना जाऊगा 8 ते जाऊगा 7 होगा तो 7 हम पेयर देखो की बन गया अपने 6 0 का पेयर बन गया 4 2 का पेयर बन गया 2 4 का पेयर बन गया
नाइन सिक्स का पेयर बन गया, जीरो सिक्स का पेयर बन गया, सेवन एट का पेयर बन गया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स पेयर बन गए। आंसर क्या हो गया? सिक्स आ गया। ठीक है, नंबर सिस्टम भी खासियत की है, इसलिए क्वेश्चन च कोई एक सिंगल डेडिकेटेड फॉर्मूला नहीं लगता, जिवें कि टाइम डिस्टेंस या होर एस आई सी आई च लग जाते हैं, कि हर क्वेश्चन च एक पर्टिकुलर फॉर्मूला देता उदा वैल्यू पर ही आंसर आ गया। नंबर सिस्टम से हर क्वेश्चन दिमाग लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा, ताई नंबर सिस्टम के क्वेश्चन पूछे जाते हैं हर किसी एग्जाम दे, अच्छे एग्जाम से नंबर सिस्टम से पूछे पूछा जाऊंगा। ठीक है सर, समझ गए? ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अपन लाइन वाइज चल रहे हैं क्वेश्चन के अंदर, आप पहले टू डिविजिबिलिटी रूल तैयार किया, उसके क्वेश्चन किए, फिर आप फोर्थ से किए, ठीक है, फिर आप सिक्स से किए, और मतलब टू वाली सीरीज कंप्लीट की थी जितों तक आप सीखी सी, राइट, फिर थ्री और नाइन से किया, राइट। हूँ देखो अगे प्रॉब्लम है, इस कोई क्लियर है, चलो अगे बताओ, 16 को चेक करो, ये सॉल्व कर लिया था तुसी, नेक्स्ट लेवल। ठीक एज देखो 16 का डिविजिबिलिटी रूल की होंगे कि लास्ट के फोर डिजिट डिवाइड होने चाहिए 16 में, है ना, बट उन प्रॉब्लम की है कि लास्ट दे की कह रहे हो यार, हमने कल्ला कल्ला पूछ ही आऊंगे कि सही है कि गलत है, वो था दैट्स नॉट द राइट वो। बहरहाल मैं की दस रहा सी कि 16 का डिविजिबिलिटी रूल की है,
ਲਾਸਟ ਦੇ 4 ਡਿਜਿਟ ਚੈੱਕ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ 4 ਡਿਜਿਟ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਕੋਈ ਕਰ ਲੂ। ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ 4 ਡਿਜਿਟ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਚ, ਲਗਾਓ ਦਿਮਾਗ। ਕਿਵੇਂ ਆਏ? ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਬੋਰਡ ਵੱਲ, ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੁਐਸਚਨ? ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਾਉਂਟਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ਅਪ ਟੂ, ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ? 97 ਡਿਜਿਟ ਨੰਬਰ ਹੈ, 97 ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਡਿਜਿਟਸ? 97 ਡਿਜਿਟ ਤੋਂ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 9 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ 1 ਨੂੰ 10 ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 0 ਨੂੰ 11 ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, 1 ਨੂੰ 12 ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਦਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ 97 ਡਿਜਿਟ ਬਣਨਗੇ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ 97 ਡਿਜਿਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਗਏ? 9 ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਗਏ, 9 ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਗਏ ਬਈ। 97 ਡਿਜਿਟਸ ਟੋਟਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ ਗਾਈਸ, ਨੰਬਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ, ਫਰਕ ਹੈ। ਡਿਜਿਟ ਮਤਲਬ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ, ਨੰਬਰ ਮਤਲਬ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਡਿਫਰੈਂਸ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਪਰ ਉਹਨੇ ਸਿੱਧੇ ਡਿਜਿਟ ਕਾਊਂਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਂ 97 ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ। ਯੈਸ, ਹੁਣ 9 ਡਿਜਿਟ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋ ਗਏ, ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੈ? 97। 97 ਮਾਈਨਸ 9 ਕਰੋਗੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? 88 ਡਿਜਿਟਸ ਬਚ ਰਹੇ ਹੈ ਇੱਧਰ। ਕੀ ਬਚ ਰਹੇ ਹੈ? 88 ਡਿਜਿਟਸ ਬਚ ਰਹੇ ਹੈ, 88 ਡਿਜਿਟਸ ਬਚ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇਹ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 9 ਡਿਜਿਟ ਹੋ ਗਏ, ਇਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਡਿਜਿਟ ਹੈ? 88 ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ। ਔਰ 88 ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ, ਔਰ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? 88 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 2, 44 ਨੰਬਰ ਹੋਣਗੇ। 44 ਕੀ ਹੋਣਗੇ? ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, 44 ਨੰਬਰਸ ਹੋਣਗੇ। ਨੰਬਰ ਬਣਦਾ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ, 1 ਤੇ 0, ਰਾਈਟ? 44 ਨੰਬਰ ਹੈ, 88 ਡਿਜਿਟਸ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ ਡਿਜਿਟ ਕਿਹੜਾ ਹੋਊਗਾ ਜਿਸ ਤੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਈ 44 ਪਲੱਸ 9, 44 ਨੰਬਰਸ ਹੈ, 44 ਪਲੱਸ 9 53rd ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਆਪਣਾ ਲਾਸਟ ਡਿਜਿਟ ਬਣੂਗਾ 53। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? 52। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? 51, ਠੀਕ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੂਰੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 16 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਹੋ ਜਾਏ। 16 ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਲੇ 4 ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 16 ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ? ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ?
ਤੁਸੀਂ 52 53 ਨੂੰ 16 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਉਸਨੇ, ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਪੁੱਛੇ, ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਦੱਸ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ 3 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, 48 4 ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਬਚੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 45, ਫਿਰ ਗਿਆ 2 ਤੇ 32, ਬਚਿਆ ਕਿੰਨਾ 13, 13 ਬਚ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਇਹ 133, 133 ਬਚ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਤੇ ਆਊਗਾ 16 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ, 8 ਤੇ ਜਾਊਗਾ, 8 ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ 128, 128 ਮਤਲਬ 5, ਰਿਮਾਇੰਡਰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ ਗਾਇਸ 5, 5 ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਂਸਰ। ਸੋਚਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਗੇ ਕੁਐਸਚਨਸ, ਹੈ ਨਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਰੀਅਲੀ ਰੀਅਲੀ ਥਿੰਕ। ਹੋਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, 16 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਡਿਜਿਟ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ 'ਚ ਥਿਊਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀਆਂ ਲੱਗਦੇ ਕਿ ਆਹ ਕੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰੋ, ਸਮਝੋ, ਇਹਨੂੰ ਅਬਜ਼ਰਵ ਕਰੋ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ। ਕਲੀਅਰ, ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲਓ ਪਲੀਜ਼, ਐਨੀ ਡਾਊਟ? ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਭਾਈ? ਚਲੀਏ ਨੈਕਸਟ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 8ਵੀਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਲਗਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ। 16 ਨੂੰ 3, 16 ਦਾ ਟੇਬਲ ਚੱਲ ਆਪਾਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, 16 3 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 10, 48, ਚੱਲ 12 ਚੋਂ 8 ਘਟਾਏ 4, ਉਪਰੋਂ ਆਇਆ 45, ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕਿੰਨਾ ਜਾਊਗਾ 2 ਤੇ ਜਾਊਗਾ 32, 5 ਚੋਂ 3 ਘਟਾਏ 4 ਚੋਂ 3 ਘਟਾ, ਉਪਰੋਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 3, ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾਊਗਾ 8 ਤੇ, ਠੀਕ, 8 6 ਦਾ 48,
कैरी, 8 वन 8 प्लस 4 12, भाई 13 चौ 8 घटा होगा तो इधर कैरी लाऊंगा, कितना बचूगा 13 चौ 8 घटा के 5, 12 चौ 5। ठीक है, आ करो सामने। करो भाई करो साहब, मजाक ना करो प्लीज। हाँ ठीक है सुन लिया मैं, एक क्वेश्चन का बेचारे आंसर कर लेंगे, यहाँ लगता है कि अखबार चाहिए बस। ये तो कर ही लोगे आंसर, ई चेक करना है, सिक्स ना चेक करना है, सिक्स नू की कर सकते आप, 2 ते 3 च ब्रेक कर सकते हैं भाई, को प्राइम नंबर से ब्रेक कर सकते हैं, राइट। टू ले चेक करना है तो की चेक करांगे, एंड वाला डिजिट इवन होवे, टू ली चेक करना है, एंड वाला डिजिट इवन होवे, ऑप्शन तो वैसे ही कैंसिल हो गया, 3 नहीं जाऊंगा 2 ते, राइट। रह गया की थ्री, थ्री ली की चेक करांगे, डिजिटल सम किस ना डिवाइड होना चाहिए, 3 नाल डिवाइड हो जाए, 9 नाल डिवाइड हो जाए, ठीक है, 9 नाल डिवाइड होगा तो 3 नाल भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक है, या डिजिटल सम की आ जाए 0 आ जाए वो भी डिवाइड हो जाएगा। देखो उनके इस डिजिटल सम आ रहे की आंसर बोल रहे सी, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन बोल रहे सी, डी का चेक कर लो, 3 2 5 4 9, 9 कैंसिल हो गया, हाँ 7 2 9 कैंसिल हो गया, डी आंसर आ जाऊंगा, राइट, डी आंसर आ जाऊंगा, सही है, ठीक है। डिजिटल सम समझे थे के पास नहीं समझा सी, फिर तो उसे डिजिटल सम उधर में 1.5 घंटा लाके समझाया, हाँ पहले डिजिटल सम करके आओ, हाँ फिर लाके आओ ना दोस्त, यार पता की है कृपाल, बाकी क्लास सफर होंगे मेरे, उधर में 1.5 घंटा लाके समझाया ना वो टॉपिक, है ना, हूं जो तुम क्लास नहीं लगाई तो उसकी की गलती है, फिर बाकी क्यों सफर करेंगे, फिर मैं तुम दस देना, देख 9 नाल कोई भी नंबर जी चेक करना है, एक कंसेप्ट होता है डिजिटल सम का, डिजिटल सम का की मतलब होता है कि कोई भी नंबर 9 नाल डिवाइड करा मैं, रिमाइंडर बचे तो ओनू आप उस नंबर का डिजिटल सम कहने हैं, किसी भी नंबर 9 नाल डिवाइड करने ते डिजिटल सम या तो 0 आना चाहिए या 9 आना चाहिए या ऐसा नंबर आना चाहिए जेड़ा कि 9 ते डिविजिबल हो जाए, जिवें कि 9 का कोई भी मल्टीपल हो गए, 9 का टेबल चले, राइट। तो वो चेक करने की करते हैं आप, किसी भी नंबर च चेक करते हैं कि 9 के पेयर किन्ने बन रहे हैं, मतलब डिजिट्स जोड़ के 9 किन्ने बारी बन रहे हैं, देख 9 एक बारी का 9 सीधा ही पे है, इन्हू कैंसिल करता, एक बारी 7 नाल 2 जोड़िया 9 बन गया, इन्हू कैंसिल करता, एक बारी की बने अपना 3 ते 2 5, 5 ते 4 9, ये 9 बन गया तो कैंसिल हो गया, हुण जदों सारे कैंसल हो गए इहदा मतलब ए नंबर रिमाइंडर किन्ना दऊगा, 0 रिमाइंडर दऊगा, हुण या तो 0 रिमाइंडर दे रहा होवे या इन्हां चो कुछ ऐसे नंबर बच जाते, डिजिट बच जाते जिन्हां नूं जोड़ के 9 बनता, राइट, या 18 बनता या 27 बनता, कुछ भी बनता, 9 का मल्टीपल हों या 0 या 9 हों, तो यह नंबर 9 ते डिविजिबल होगा, ये रूल होंगे। चलो नेक्स्ट, समझ आ गया तो करो, दसो एदा की आंसर आऊगा,
पर यो एम आर ठीक कोप्रा 6 सेट विजिबिलिटी चेक करनी है, कोप्रा 2 से 3 सेट विजिबिलिटी रूल चेक करना होगा, 2 दिल्ली की होना चाहिए, 2 दिल्ली की होना चाहिए, इवन होना चाहिए, लास्ट डिजिट इवन होवे, एरा मतलब के दी वैल्यू इवन होनी चाहिए है, 0, 2, 4, 6, 8 ये वैल्यू होनी चाहिए है। एक कंडीशन तो यही बन गई कि के दी वैल्यू की होवे इवन होवे, ठीक। चलो ये 2 ले क्लियर हो गया, 3 ले की क्लियर है कि डिजिटल सम की है, 3 नाल डिविजिबल हो गए, 3 नाल डिविजिबल हो गए, ऑलराइट। पेयर बनाने हैं 7 2 9 हो गया, होर कुछ बन रहा नहीं बन रहा, 6 + 4 10, 10 का की कर सकते आपा 1 + 0 1, 1 + 2 के है तो की बन जूगा, इधर लिख देंगे। अच्छा इन्हों का डिजिटल सम कोई यह जहा नंबर आना चाहिए जो कि 3 नाल डिवाइड हो जाए, 3 नाल कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए, तो के दी वैल्यू की पुट करोगे, के दी वैल्यू 4 पुट कर दोगे, 4 2 8 + 1 9, 9 3 नाल की हो रहे हैं, कंप्लीटली डिविजिबल हो रहे हैं, आंसर क्या आ जाएगा 4। ठीक देखो एक ऑप्शन था, देखते सारी कैंसिल हो जाना चाहिए, -9 -9 तो तुम भर ही नहीं सकते, पॉजिटिव इंटीजर वैल्यू होगी हमेशा क्वेश्चन च, राइट। चलो नेक्स्ट, क्लियर है भाई बताओ। सिक्स वो 9 के ही अंदर है, सर सिक्स डिविजिबल बाय 6 चेक करना है, वो प्राइम 2 और 3, ठीक 2 ले की है, के दी वैल्यू इवन होवे, लास्ट डिजिट इवन होनी चाहिए है, 2 का डिविजिबिलिटी रूल, 3 का की है डिजिटल सम है जो 3 नाल डिविजिबल होना चाहिए, राइट। कोई पेयर बन रही है 6 और 3 9, 5 और 4 9 गया, 2 के
अच्छा के दी वैल्यू एज ही होवे जेडी की डिविजिबल बाय 3 हो जाए, जिधर डिजिटल सम की बने एज बने कि 3 ना डिविजिबल हो जाए 12 रख सकते हैं। अच्छा उसमें और कंडीशन की देती है कि लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ के होवे, लार्जेस्ट वैल्यू के होवे जेड़ा कि तुसी जिस नाल मल्टीप्लाई करोगे तो की हो जाऊगा 3 नाल डिविजिबल होना चाहिए। हुण लार्जेस्ट वैल्यू के दी की ले सकते हो तुसी 9 ले सकते हो। नंबर भी चाहिए अच्छा हाँ सच इवन नंबर भी चाहिए 16 नहीं ला सकते फिर तभी 6 ही आऊंगा, 6 आऊंगा 9। अगर इवन वाली कंडीशन ना होंगी फिर आप 9 ला सकते, हूं आप 6 ही ला सकते राइट। दो कंडीशन है ना इवन भी है और 12 की हो जाएगा 3 ना डिविजिबल हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 6। नाइन बोला थी ना बताइए। अच्छा ठीक ठीक है क्लियर है चलिए आगे बताओ। बहुत ही गलत है गलत भी नहीं बहुत ही गलत है ठीक मैं कह देता बहुत गलत है गलत भी नहीं बहुत यस एट सेवन एम 6203 M ठीक है जी। किस नाल चेक करना है आपा 6 नाल चेक करना है मतलब की है 2 ते 3 नाल चेक करना पौगा 4 प्राइम 2 लेके चेक करना पौगा
इवन हो गए एम डी वैल्यू, राइट। थ्री लेके चेक करना होगा, डिजिटल सम थ्री नल डिवाइड हो जाए, ठीक राइट। सिक्स और थ्री द पेयर बन गया एट, और टू द पेयर बन गया एट प्लस की बन जूगा सेवन टू द पेयर बन गया। यही बने मुस्कान, थ्री सेट एट और जीरो क्या पड़ेगा। सेवन और टू था भाई, कट्टे से सेवन और टू है, एट और टू एम ये बोल रहे थे, एट और टू एम बच गया, राइट। अच्छा उन एज दी वैल्यू की आनी चाहिए, एज दी वैल्यू ऐसा आना चाहिए कि डिजिटल सम किस नाल डिवाइड हो जाए, थ्री नाल डिवाइड हो जाए, ठीक है। हुन तुसी एम दी वैल्यू देखो, एम दी की कंडीशंस है गाइस, एम दी कंडीशंस है कि अपने को इवन वैल्यू पुट करनी चाहिए, राइट। इवन वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। हुन नाइन नहीं बना सकते आप, नाइन नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते नाइन, क्योंकि ऑलरेडी टू है, राइट। उस तो बाद की है, नेक्स्ट नंबर केड़ा बन सकता है, नेक्स्ट नंबर केड़ा बन सकता है जेड़ा थ्री ना डिविजिबल हो जाए, ट्वेल्व, ट्वेल्व बन सकता है, ट्वेल्व बन सकता है, तो इतने एम दी वैल्यू आप टू रख सकते हैं, राइट। नेक्स्ट केड़ा बन सकता है, फिफ्टीन, फिफ्टीन नहीं बना सकते, फिफ्टीन नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते, इतने सेवन बनाना पड़ेगा, फिफ्टीन लई सेवन बनाना पड़ेगा, एट प्लस सेवन करना पड़ेगा, और इतने सेवन बनाने लिए पॉइंट्स की वैल्यू लेनी पड़ेगी। अगर तुम एट प्लस सेवन करते हो तो थ्री इंटू थ्री पॉइंट फाइव करना पड़ेगा, राइट, वो कर नहीं सकते। नेक्स्ट नंबर सोचो किड़ा बनाओगे, ये इदा पेयर बना के सोचना पड़ेगा सुनो इस क्वेश्चन के अंदर, राइट। जो तुम दस दस बोली जाने हो, अगर तुम ये पेयर बनाए तो ही वो कर पाओगे, एटीन, एटीन लेंगे सुनो टेन बनाना पड़ेगा, फाइव ले नहीं सकते, फाइव वैल्यू नहीं ले सकते इसकी, नो, फाइव लोगे तो की हो जाएगा छोटी, जी इवन वाली कंडीशन है वो नहीं फुलफिल होगी। एट ले सकते एक वैल्यू, एट ले सकते हैं, सोलह से अठ चौबी, चौबी डिवाइड हो रहे हैं तिना, राइट। और कोई वैल्यू, इक्की, इक्की ले भी, इक्की भी नहीं बना सकते, तेरह लेने पड़ेगा इतने, एम दी वैल्यू टू एम थर्टीन बनना चाहिए, टू एम टू थर्टीन बनाने की होगा पॉइंट से आंसर होगा, वो भी नहीं बना सकते, हाँ चौबी बनूंगा सिर्फ, राइट। एक बारह बन रही है, एक चौबी बन रही है, और अठ और दो दस आम कितना आ गया, टेन आ गया, ए होना सीगा ये राइट मैथड, ठीक है, गॉट इट, क्लियर है, चलिए आगे, चलो भाई। बताओ क्या।
पति पति गुड थर्टी सिक्स दैट विजिबिलिटी रूल नहीं किता, को प्राइम से डिवाइड करांगे राइट, को प्राइम से डिवाइड करांगे तो कितना बनूंगा, 9 × 4 लिख सकते हैं इसमें, फोरली की रूल है, लास्ट दे टू डिजिट्स है जेडे वो 4 नाल डिविजिबल होने चाहिए। हम देखो नंबर की अपने को ले 5 9 A 4 4 B, हम 4 B की है 4 नाल डिविजिबल हो गए ठीक, B की वैल्यू आप 0 पा सकते हैं, B डिविजिबल होगा सॉरी 0 40 डिविजिबल होगा 4 नाल, 4 पा सकते हैं 4 जाऊंगा एंड देन 8 ले सकते हैं 48 4 नॉट विजिबल होगा राइट। 9 ली की चेक करना होगा, 9 ली डिजिटल सम की बनना चाहिए, 9 नॉट विजिबल हो, 5 कैंसिल हो गया, 5 ते 4 गया 9 बचा कि 4A+B बच गया, 4 + A+B। अच्छा उन्हें की पूछे मैक्सिमम वैल्यू पूछी है A+B की, मैक्सिमम वैल्यू पूछी है A+B की, देखो A+B की वैल्यू 5 ही ले सकते हैं आप, 5 + 4 9 बनूंगा, 9 डिजिटल सम हो रहे हैं, 9 नेट विजिबल होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट की है यह मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू नहीं है 9, मैक्सिमम वैल्यू की नहीं है 18, डिजिटल सम या 9 का मल्टीपल चाहिए ताई नंबर 9 ना डिवाइड होगा, डिजिटल सम 18 बना ली, यदि वैल्यू कितनी लवेंगे आप 14, 4 + 14 18 बनूंगा ठीक है। अच्छा 27 भी नहीं ले सकते, 27 ली इतने 23 आना चाहिए, A+B 23 के बराबर भी नहीं आ सकता, A+B का मैक्सिमम सम कितना बन सकता है 18 बन सकता है, मैं कल भी दस सुनू A+B का मैक्सिमम सम 18 के में बन सकते हैं, ए दी मैक्सिमम वैल्यू 9 ले सकते हैं, बी दी मैक्सिमम वैल्यू 9 ले सकते हैं राइट, तो 9 27 बनूंगा, 9 9 बनूंगा, आंसर क्या होगा 18 सम बना ली की चाहिए अपन को 14 चाहिए, ऑप्शन सी इज योर आंसर ठीक है जी, क्लियर है बिल्कुल। चलो चलेंगे बताओ ठीक है।
मैं कुछ और सोच रहा हूँ बस। अच्छा नो सी नहीं, इतनी कॉन्फिडेंस में बोल रही है फिर भाई, गलत आंसर भी कॉन्फिडेंस है ना। अच्छा ठीक भाई, सी वालों दोबारा सोचो, क्वेश्चन की गया उसने, ग्रेटेस्ट पॉसिबल पूछा उसने, ग्रेटेस्ट ग्रेटेस्ट मतलब बड़ा नंबर। ठीक देखो, उन्हें क्या है कि इफ ए 9 डिजिट नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 8 एंड 5, देन द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली आर। ठीक है, हम 5 ली की है, 5 ली या तो लास्ट डिजिट 0 हो गए या 5 हो गए। ठीक, अच्छा 0 ठीक है, 5 नहीं ले सकता मैं, वाई दी वैल्यू 5 नहीं ले सकते आप। क्यों नहीं ले सकते 5? क्योंकि जब 5 लिखता तो 8 ना डिविजिबल नहीं होगा, राइट। 5 अगर ले लिया अपना वाई दी वैल्यू, तो कोई भी ऐसा नंबर जिसका लास्ट डिजिट 5 हो गए, वो 8 नाल डिविजिबल नहीं होगा। ऑल राइट, तो वाई दी वैल्यू अपन पता लग गई कि वाई दी वैल्यू डेफिनेटली 0 ही आऊगी। हम आप चेक करनी है लास्ट 3 डिजिट की वैल्यू कि वो 8 नाल डिविजिबल हो जाए। ठीक, हम 7xy 8 नाल डिविजिबल करना है, वाई दी वैल्यू उन्हें पता लग गई कि 0 आऊगा। एक्स देखो कि ये रख सकते हैं आप, कि अगर मैं एक्स रखा 2, जो छोटा पहला आंसर सी, वो चला जाऊंगा 8 नाल डिविजिबल हो जाऊंगा, नो प्रॉब्लम। बट की है आ कंडीशन फुलफिल नहीं होनी, ठीक, तब दूसरी वैल्यू की लेनी पड़ेगी 6, तो 2 नहीं है, 6 एंड 0 ए आंसर आऊंगा गाइस। ठीक है, क्लियर हो गई। क्लियर है करें, 760 जाऊंगा 8 से, क्यों जाऊंगा। पढ़ी 10 सही
760 ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ 8 ਤੇ ਡਿਵਾਈਡ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ? ਸਰ हाँ फिर कितना होगा? 40 आऊगा, फिर कितने पे जाऊंगा? 5 पे जाऊंगा। ठीक है चलो भाई, सोच के सही जवाब दियो। मेरे तो ना पूछो, ए ऑप्शन सी ऑप्शन, पहला आपका आंसर डेफिनेट कर दियो फिर बोलियो। यस हो रहा होगा। 125 ਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ, ਕੀ ਹੁੰਦਾ 125 ਦਾ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਰੂਲ? ਲਾਸਟ ਦੇ 3 ਡਿਜਿਟ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ 5 ਨਾਲ, 125 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਰਾਈਟ? ਹੁਣ ਭਾਈ ਐਕਸ ਵਾਈ ਤੇ ਆਹ 5 ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਫਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਈਵਨ ਵੈਲਿਊਜ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, 125 ਦੇ ਟੇਬਲ 'ਚ ਆਪਾਂ ਈਵਨ ਵੈਲਿਊਜ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ, ਈਵਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਇੱਥੇ 0 ਆ ਜਾਊਗਾ, ਤਾਂ ਆਹ ਡਿਜਿਟ ਹੀ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਰਾਈਟ? ਤਾਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 125। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਤਾਂ 1 ਨਾਲ ਜਾਊਗਾ, ਇੱਕ 3 ਨਾਲ, ਇੱਕ 5 ਨਾਲ ਔਰ ਇੱਕ 7 ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ 125 ਨਾਲ, ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ 125 ਨਾਲ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਤਾਂ? ਕਲੀਅਰ? ਦੇਖੋ ਨੰਬਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ, 125, 375, 625 और 875। आप 4 नंबर्स बन गए। ठीक है, उन्हें की पूछे हैं सच नंबर्स आर देयर 4। क्लियर? चलिए नेक्स्ट।
सेवन है डिविजिबिलिटी रूल याद करो, मैनू ना दसो आपकी कॉपी से करो। ये होगा पेयर बना के की स्टेप है दसो, पेयर बनाए तुसी की पेयर बनाए। हाँ हुण आपां देखो, आपां सिखिया सीगा कि पेयर बनाने हैं, जेड़ा भी नंबर दिता होवे 3 3 दे पेयर बनावांगे। कट्ठा रूल कीता सी 7 गया 11 और 13 दे लिए, तां हुण 4 6 3 y एक पेयर बन गया गाइस। ये हूँ एदा कि मैं 3 का पेयर बनाऊंगी 0 0। हूँ 6 3 y चो तुसी माइनस करना है 4 y की वैल्यू दसो कि मैं डिसाइड करूंगी की पुट करनी है कि 7 नाल डिवाइड हो जाए। मतलब और इलेवन वो 11 नहीं हो सकता, 7 नहीं हो सकता, 7 ही ऐडे चलना पौगा। वो 11 ਦੇ ਰੂਲ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਔਡ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਇਵਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦੋ, ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏ। ਭਾਈ 6:30 ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਹੈ 7 ਨਾਲ? ਯੈਸ 6 ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਹੈ 7 ਨਾਲ, ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ 4, ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 4, 4 ਚੋਂ 4 ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰੋਗੇ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ 6:30 ਗਾਈਸ। 6:30 ਇਜ਼ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਲ ਬਾਈ 7, ਯੈਸ ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗੀ 4 ਆ ਜਾਊ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕੀ 0 ਕੋਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ 0 ਲੈਨੇ ਆ 0 ਲੈਣੇ, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਕੀ ਮਤਲਬ? y ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਲੈ ਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਨੰਬਰ, ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ? ਕਿ 63 ਜਾ ਰਿਹਾ 7 ਤੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੀ 6:30 ਬਣ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਆਪਸ਼ਨ ਚ 4 ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਮੈਂ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਵੈਲਿਊ ਆਫ y ਪੁੱਛੀ ਹੈ, 4 ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ y ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਮੇਰਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਂਸਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈਟ।
हाँ सही है, गुड। हो गया है, क्या आंसर आया है वांशु भैया? इज डिविजिबल बाय 18, ठीक है जी, 18 लेके चेक करेंगे, 9 और 2, 2 तो डिविजिबल है, लास्ट वाला डिजिट इवन है, राइट? ये तो क्लियर हो गया, चेक करना 9 थे, 9 थे की करेंगे, डिजिटल हम चेक कर लेंगे, बट की क्या उन्हें ये, अच्छा ये तो दिता ही हुआ है, ये क्यों आप चेक करिए ने, रुको, ये तो उन्हें गिवन ही दिता हुआ है, सॉरी सॉरी, ये तो उन्हें दस ही रखे है कि 18 से डिविजिबल है, फर्स्ट लाइन से उन्हें क्या किया है कि सब्ट्रैक्ट 5 टाइम्स ऑफ 41, पहला तो इस जो 41 का 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट करो, ठीक, 41 का 5 टाइम्स सब्ट्रैक्ट किया फ्रॉम द नंबर, न्यू नंबर की बन जाऊगा 7, 6, 3, 0, 4, 9, न्यू नंबर वो पूछ रहे कि डिविजिबल बाय, न्यू नंबर विल बी डिविजिबल बाय, अच्छा इन्ना जो किस नाल डिविजिबल होगा न्यू नंबर, अच्छा भाई न्यू नंबर ऑड है, न्यू नंबर ऑड है कि मैं पता लग गया लास्ट डिजिट 9 है, तो 2 नाल तो नहीं डिविजिबल हो रहा ऑड, ठीक, 5 नाल भी डिविजिबल नहीं हो रहा, या तो 5 हुंदा लास्ट डिजिट या की हुंदा 0 हुंदा, 2 ऑप्शन तो इतों कैंसिल हो गए, ठीक, अच्छा 3 लई डिजिटल सम करके देखो, 9 कटे गया और की है 6 और 3 कटे गया, 7 और 4 बच गया मतलब 11, मतलब 2 बच गए डिजिटल सम, 2 भी की है 3 ते नहीं डिविजिबल हो रहा, ठीक, आंसर क्या आ गया 7, 7 आंसर आ गया, ठीक बाय चांस, क्योंकि बाकी वैसे कैंसिल हो गए, अच्छा जी 7 लिया पर चेक भी करना होगा फिर कि मैं चेक कर दे, फिर आप पेयर बनाते राइट साइड तो 3 3 दे, एक पेयर बन जाता 0 4 9, एक पेयर बन जाता 7 6 3, ठीक है सर, 7 6 3 चो आप 49 माइनस करांगे कितना बन जू गए हैं 7 14, ठीक है, हम मैंने पता है कि 7 14 7 ना कंप्लीटली डिविजिबल है, जे तुसी यही भी नहीं करना चाहते तो तुसी इस नंबर नु ध्यान नाल लिखो, इस नंबर नु ध्यान नाल लिखो कि इस नंबर नु इदा लिखा जा सकता है +49 डिवाइडेड बाय 7, मैनू पता है कि 7 63 7 ना डिविजिबल है, 49 7 ना डिविजिबल है, तो ये नंबर भी 7 ना डिविजिबल होगा, राइट, या दूसरा मेथड की है 3 3 दे पेयर बना लो
सेवन 14 भी सेवन नॉट डिविजिबल है आइदर केस, ठीक आंसर कितना आ जाऊगा थोड़ा, सेवन आ जाऊगा। क्लियर है बिल्कुल, ऑल राइट चलो नेक्स्ट। यस क्या हुआ है हिमांशु आंसर। नाइनटी का डिविजिबिलिटी रूल क्यों होता है? भाई 90 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं जो 10 × 9 को प्राइम, ठीक 10 का की मतलब है, 10 का मतलब है कि यूनिट प्लेस 0 होनी चाहिए। एक तो वैल्यू का क्लियर होगी कि वाई दी वैल्यू की होगी हमेशा 0 होगी, ताई वो नंबर की होगा 10 नाल डिविजिबल होगा। यस बचा की 9, 9 ही की होना चाहिए। डिजिटल सम चेक करेंगे, करो चेक डिजिटल सम। 5 ते 4 कैंसिल हो गया, 3 ते 6 कैंसिल हो गया, 7 ते 2 गया, 9 कैंसिल हो गया, 8 ते 4 बच गया। 8 ते 4 12, 12 मतलब 2 + 1 3, 3 + x, वाई दी वैल्यू 0 ही है। ठीक अच्छा हूँ ए दी वैल्यू बनानी है, मैं ए दी वैल्यू बना के डिजिटल सम कितना आना चाहिए, 9 नाल डिविजिबल होना चाहिए, 9 नाल डिविजिबल होना चाहिए। की बनाऊंगी एडी वैल्यू बताओ, 6 बनूंगी, 6 वैल्यू पुट करेंगे ताई 9 बनूंगा, 9 नाल डिवाइड होगा, 6 ले सकते एडी वैल्यू का होना, पुट कर दो यार 6 पुट कर दो क्या आ जाऊगा 24। एडी वैल्यू तो 0 ही है, एडा कैंसिल ही हो गया, 4x की वैल्यू 24 आ जाएगी, 24 आंसर आ गया थोड़ा। क्लियर है भाई बताओ, क्लियर है? ठीक है ए शीट दे बाकी क्वेश्चंस, क्योंकि संडे का दिन मिलूंगा थोनू,
ए शीट दे, बाकी क्वेश्चन मैं तुम्हें दूंगा, ठीक है? तो कल्ला कल्ला क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आयो प्लीज। सही आंसर आंदा नहीं आंदा वॉट एवर, तुम प्रैक्टिस जरूर करके आयो, ठीक है जी? मिलते हैं नेक्स्ट क्लास से। थैंक यू सो वेरी मच, तो रिवाइज कर लियो प्लीज। थैंक यू। Gracias.